नमस्कार, यहाँ हेउची संवाद मोबाइल वाणी 24 घंटा चालुथिबा एक निशुल्क सेवा अटे। केठारे आपण गर्भ पूर्वरु गर्भावस्था समय रे आशा करूछि आपण माने एई संवाद मोबाइल वाणी को जानिथिबे। जदि आपण माने जानि नाहंती तेबे आपण मानकु जणाइ देउछि संवाद मोबाइल वाणी एक निशुल्क सेवा अटे, जिए कि श्रोता मानकु विभिन्न समय रे गर्भवती महिला और शिशुंक स्वास्थ्य और पोषण भित्तिक बार्ता देथाय। यहाँ एक आईवीआर बार्ता अर्थात रेकर्ड करा जाई आपण मानक पाखरे पहुंचा जाए। यह माध्यम रे स्वास्थ्य संबंधी विषय जेपरिकी परिवार नियोजन, आईएफए टैबलेट रो व्यवहार, गर्भावस्था रे खाद्य और पानीय रो महत्व, गर्भर पूर्ववर्ती जांच और परवर्ती जांच रो उपदेश गुड़िक आपण माने घरे बसी सुरखुरी रे पाई पारिबे एवं निशुल्क मध्य। अरे सुभद्रा, कुआडे जाइथिलो? गर्भावस्था रो 9 मास बहुत गुरुत्वपूर्ण, एमिति आउ बाहर को जाओनी। 9 मास नुए, हजार दिन कह। एबे संवाद प्रकल्प रो वीडियो देखिथिली आसुची। अच्छा, जेउ वीडियो सो रे गर्भावस्था विषय रे जरूरी कथा को थिपई आपन को मोबाइल रु संवाद मोबाइल वाणी को एक मिस कॉल देबार अछि। एही कॉल देबा परे एहा आपन छाए कटि जिवो एवं 1 मिनिट परे आपन को मोबाइल को एक कॉल आसिबो। मन रखंतु एही कॉल आपणको विभिन्न नंबर रु आसी पारे। एही नंबर 011 रु आरंभ एवं 0 रे शेष होइतिबो। एणु एही नंबर रु आसीतिबा फोन आपण माने निश्चित भाबे उठांतु एवं एहार लाभ नियंतु। संवादवाणी कार्यक्रम सुनिबा समय रे आपणको किछि सुविधा मिलुछि, जेपरि कि आपणको जेउ वार्ता सुना जाउछि आपण ताकु न सुनि अन्य कार्यक्रम सुनिबाकु चाहुथिले सेतिपई आपणको मोबाइल रे 1 दबांतु। एक दबाया क्षण अन्य कार्यक्रम आरंभ हो श्रोता बंधु, जब पर नियोजन करी साथी मिल तेज सारा जीवन आपण उठब पर नियोजन उपाय गुड़िकतीत। यही आईवीआर बार्ता शेष भापर आपण प्रश्न और मतामत को आपण मोबाइल रे 3 नंबर को दबाई देपारे। यापर गोटे मेसेज आपण को शुणा को मिल एवं गोटे बीप शब्द शुभ। यापर आपण आपणकर नाम और ठिकना कहिबे एवं आपणकर प्रश्न और मतामत 2 मिनिट मध्य कहिबे। ब्लॉक ठाकुर मुंडा डिस्ट मोरवन संवाद वाणी रु मु जानिबाकु पाइली जे 7 मासर शिशु को केमिति केते थर खाद्य खुआइबा, तेणु 9 मासर शिशु को केमिति खाद्य खुआइबा जहाँ कि रेकर्ड हो रही एवं जेकोसी बटन दबाइबे फलर आपण को संवादवाणी द्वारा एक कॉल माध्यम रे धन्यवाद दिजिव। एणु यार लाभ उठातु, तेणु आपण यवादवाणी लाभ उठातु जार नाम है संवाद मोबाइल वाणी।